तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और आज स्मैकडाउन पर हमें पॉल हेमन और सोलो सिकोआ का एक बैकस्टेज प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला और इस वीडियो में मैं उसी सेगमेंट के बारे में बात करने वाला हूं। तो क्या क्या वहां पर बातें हुई उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि सोलो सिकोआ, पॉल हेमन एंड टामा टोंगा यहाँ पर बैकस्टेज होते हैं। पॉल हेमन सोलो सिकोआ से कहते हैं कि तुम जानते हो टोंगा लोआ यहाँ पर नहीं है। सोलो सिकोआ कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। पॉल हेमन कहते हैं टोंगा लोआ यहाँ पर इसीलिए नहीं है क्योंकि हम उसे बॉर्डर के इस पार नहीं ला पाए। सोलो सिकोआ कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। पॉल हेमन कहते हैं कि मुझे इन लोगों का समझ नहीं आता, हमने इनका बैकग्राउंड भी चेक नहीं किया और ये लोग काफी खतरनाक लोग हैं जिन्हें तुम ब्लड लाइन में ले रहे हो। सोलो सिकोआ कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। पॉल हेमन कहते हैं यही एक रीजन था जिसकी वजह से हम इन लोगों को पहले ब्लड लाइन में नहीं लेकर आए। पॉल हेमन कहते हैं जब तक रोमन, लेकिन तभी सोलो सिकोआ उन्हें टोक देते हैं। सोलो सिकोआ कहते हैं जब तक रोमन यहाँ पर नहीं आता तब तक मैं इंचार्ज हूँ और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे फिक्स करो। पॉल हेमन कहते हैं और टामा टोंगा की प्रॉब्लम ये है जब तक वो कुछ और कह रहे होते हैं तभी टामा टोंगा एकदम से उनके मुंह पर आ जाते हैं और पॉल हेमन काफी ज्यादा डर जाते हैं। टामा टोंगा पॉल हेमन से कहते हैं क्या तुम जानते हो तुमने मुझे क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि मैं वो बदलाव हूँ और कल तुम्हारा किंग यहाँ पर ब्लड लाइन में वापस आएगा और वो भी ट्राइबल चीफ के ऑर्डर से। इतना कहकर टामा टोंगा और सोलो सिकोआ वहां से हंसकर चले जाते हैं और ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइस इसके बाद हमें रैंडी ऑर्टन और टामा टोंगा का मैच देखने को मिलता है जहाँ पर सोलो सिकोआ इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी रैंडी ऑर्टन यहाँ पर एक आरकेओ लगाकर जीत जाते हैं। मैच के बाद हम देखते हैं कि सोलो सिकोआ यहाँ पर रैंडी ऑर्टन पर अटैक भी करते हैं लेकिन तभी वहाँ पर वापसी होती है केविन ओवेंस की और वो यहाँ पर आकर रैंडी ऑर्टन की मदद करते हैं। और इसी तरह से हमें स्मैकडाउन की एंडिंग होते हुए नजर आई। तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।